कुलदीप बिश्नोई पर आयकर विभाग की रेड करवाकर कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यह एक पॉलिटिकल रेड है। हरियाणा के आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नंबर एक पार्टी के रूप में उभरेगी। यह बात महाराष्ट्र के पूर्व सांसद और कांग्रेस के किसान सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले ने हांसी में कही। नगर परिषद के पूर्व चेयरपर्सन प्रतिनिधि सुमन शर्मा के आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने यह बात कही। वह हिसार में एक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य किसानों का राज्य है, लेकिन खट्टर सरकार किसान विरोधी है। किसानों की स्थिति पर उन्होंने कहा कि बड़ी हैरानी की भरी बात है कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां खेत में ट्रांसफार्मर चोरी होने पर किसानों से इसकी भरपाई की जाती है। हरियाणा में मुझे लगता है कि जो कुछ अभी मीडिया के माध्यम से जो कुछ कांग्रेस के बारे में बताया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे सभी नेता एक साथ है और खट्टर सरकार ने जिस तरह से यहाँ हरियाणा में किसान विरोधी जो धोरण अपनाया है, उसका परिणाम ऐसा कि क्योंकि ये राज्य किसानों का राज्य है, तो इस राज्य में किसान विरोधी धोरण लेने से किसानों में गुस्सा है। दूसरा, अपने हरियाणा एक ऐसा एक समय था कि देश का सबसे बड़ा औद्योगिक स्टेट था। आज हम लोग पांचवे नंबर पर औद्योगिक स्टेट जा रहे हैं। तो ऐसे समय में औद्योगिक हो, किसान हो, ये सब व्यवस्था में खट्टर सरकार फेल हो चुकी है और आने वाले चुनाव में हरियाणा की जनता खट्टर को वोटों के माध्यम से फेल करेगी, ऐसी परिस्थिति आज हरियाणा में। कांग्रेस की जगह कहाँ देखते हैं आप? कांग्रेस एक नंबर पार्टी रहेगी। लोकसभा चुनाव में सीट को है पूरा, लोकसभा चुनाव में हरियाणा से ऐसा है कि लोकसभा का चुनाव हम कांग्रेस हारने के वजह से मशीन में गड़बड़ा ऐसे नहीं बोल रही है, लेकिन आपको पता होगा कि बीजेपी की अलायंस पार्टी है शिवसेना, उनके राज्यसभा सदस्य है संजय राउत नाम का। उन्हें राज्यसभा में मोदी की सरकार दोबारा आने के बाद उन्हें खुद ने कहा कि वोटिंग मशीन में गड़बड़ है, उनकी अलायंस पार्टी बोल रही है। तो ये हमने तो शुरुआत में कहा था कि ये अमित शाह और मोदी की इंजीनियरिंग चुन के आई है, जनमत के साथ में ये चुन के नहीं आए हैं। और जनमत के साथ चुन के आ जाते तो अगर इतनी बड़ी तादाद में अगर इनको लोगों ने वोट माध्यम से चुना के लाया रहता तो लोगों में खुशी रहती। कौन से राज्य में, हरियाणा जैसे राज्य में सब बीजेपी के सांसद चुन के आए, तो यहाँ पे लोगों में कौन सी खुशी है? फिलहाल एक गुलाल भी नहीं उड़ा, कोई बाजा भी नहीं बजा। उनको भी, उनके सांसदों को कैसे चुन के आए कि नहीं आए उनको भी पता नहीं था, वो तो गए भी नहीं थे काउंटिंग में। तो ऐसे हरियाणा में नहीं तो क्या पूरे देश में ऐसी स्थिति रहेगी। मैं गडकरी के विरोध में नागपुर में खड़ा था तो वहाँ पे गडकरी भी अपने घर में सो गया था। तो मोदी साहब कह रहे हैं हमें ये नहीं कहना है कि वो कैसे चुन के आए, वो हमारा आक्षेप आज नहीं है, क्योंकि अपने देश का चुनाव आयोग भी अब बीजेपी का कार्यकर्ता बन चुका है। 21 पार्टियां कांग्रेस के लीडरशिप में हम लोग जब चुनाव आयोग के सामने गए तो चुनाव आयोग बात सुनने को तैयार। हम सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने डिसीजन लेना चाहिए। तो मुझे समझ रहे कि जो फुटबॉल अगर लोकतंत्र का बनता है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम जो शुरू है, तो ठीक है उसका वो आज की बात नहीं हो सकती। लेकिन हरियाणा में जो स्थिति आज है, जो मैं कंप्लीट जैसे इस बार आपने देखा होगा जो फसल किसान की निकली तो फसल खरीदने को तैयार नहीं। अगर सरकार अगर किसान की हो और खट्टर को खेती के बारे में कौन सा नाम, मैं देश भर में घूमता हूँ तो मैं एक बात देखा कि हरियाणा ऐसे एक स्टेट है कि जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है खेती में, जो पंप के लिए कनेक्शन दिए जाता है, अगर ट्रांसफार्मर चोरी हो जाए तो किसान को पैसे भरना पड़ता है। फुकट तो बिजली नहीं दे रही है यहाँ पे हरियाणा सरकार किसान को, वो उसकी देख रेख करने की जवाबदारी वो सरकार की होती है। जब तुम पैसे ले रहे हो तो उसकी जवाबदारी तुम्हें हमें बिजली भी प्रॉपर देना चाहिए,
वो जो भी नुकसान हो गया उनका होगा, तो तुम्हारा हमारे किसान वो ट्रांसफर वहां से जो ट्रांसफार्मर चोरी हो गया तो बोलते कि आप पैसे भरो। ये कौन सी सरकार है? ऐसी सरकार के बारे में गुस्सा मैंने इसलिए शुरुआत में कहा कि लोगों में गुस्सा है और कांग्रेस ही अभी विधानसभा में एक नंबर की पार्टी हरियाणा में रहेगी। ऐसा है कि देश का गृह मंत्री जो है हम नहीं कह रहे कि वो तो ऑलरेडी तड़ीपार थे, ये तो देश के सब जनता जानती है। अब तड़ीपार आदमी क्या सोच सकता है जो कुछ भी आरोप लगाकर किसी पे में इस तरह के रेड करवाकर कांग्रेस के लोगों को बदनाम करने का काम वो कर रहे हैं। और कुलदीप विष्णु ने कल शर्मा जी का भी रेड करवा दें, कल पत्रकारों का भी करा दें। और मैं पत्रकारों को इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके पार्टी के बड़े नेता और विजय वर्गीस जो मध्य प्रदेश से वो वेस्ट बंगाल के इंचार्ज है, वो तो पत्रकारों की लाइक ही निकलते, तुम्हारी क्या लाइक है? तो वो किसी के भी निकाल सकते हैं। वो बीजेपी है, आज की तारीख में बीजेपी ऐसी पार्टी हो गई कि उनको तो किसी की जरूरत ही नहीं ना। तो इसलिए जो भी रेट गिरे हैं वो पॉलिटिकल रेट है और कांग्रेस के लोगों को डराने का और आम लोगों को डराने का एक उनका प्लान है।